बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम बना लेंगे बीफ मसाला। ये इंग्रेडिएंट्स है, ये 250 ग्राम बीफ है, इसको अच्छे से धो के रख लिए हम लोग। एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में कट करी हुई, डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी मिर्ची है दो चम्मच फुल, इससे कलर अच्छा आता मसाले में, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर एक चम्मच, मटन मसाला पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। ये खड़े मसाले हैं, दो तेज पत्ता, दो से तीन दालचीनी के टुकड़े, एक चम्मच शाहजीरा, दो से तीन साबित इलायची, एक कटोरी हरा धनिया, एक कप बटर की क्यूब ले लेंगे, दो से तीन हरी मिर्ची। चलिए बनाना शुरू करेंगे। अब हम कुकर में तीन से चार चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। अब हम ये तेल में खड़े मसाले ऐड कर लेंगे, दालचीनी, इलायची, शाहजीरा, तेज पत्ता भी ऐड कर लेंगे। ये खड़े मसालों को हम हल्का फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई करना नहीं है अपने को। अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे, ये प्याज को हम बादामी कलर की तल लेंगे अच्छे से। ये देखिए प्याज अच्छे से तले जा रही। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोश्त को। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, कश्मीरी मिर्ची है ये। अब हम इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर लेंगे, थोड़ा हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसमें हम दो टमाटे भी ऐड कर लेंगे ग्राइंड करके। अब हम इसमें टमाटे की प्यूरी ऐड कर लेंगे ग्राइंड करे सो, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसमें हम थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे, थोड़ा कम दिख रहा हम लोगों को। अब हम इसमें आधा मग पानी डाल लेंगे, इसको हम दो से तीन सीटी के लिए फुल फ्लेम पर रख देंगे। ये देखिए बीफ मसाला बहुत बेहतरीन दिख रहा है, तेल भी साइडों से अच्छा छूट गया माशाल्लाह। अब हम इसमें मटन मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें बटर ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें एक टेस्टिंग पाउडर ऐड कर लेंगे, दो से तीन हरी मिर्ची, थोड़ा हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और थोड़ा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड कर लेंगे क्रश करके, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। माशाल्लाह खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही बीफ मसाले की। अब हम इसको कोयले की भाप दे देंगे, ये देखिए किस तरीके से देना है। एक कोयले को हम जला लेंगे। अब ये कटोरी में कोयला रख देंगे, इसमें हम घी नहीं तो तेल ऐड कर लेंगे। अब ढक्कन ढाँप देंगे। ये देखिए बीफ मसाला बन के रेडी हो गया माशाल्लाह। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दिख रहा बीफ मसाला। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दिख रहा। ये देखिए बीफ मसाला बन के रेडी हो गया माशाल्लाह। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह।